बच्चों, इस वीडियो में हम लाए हैं क्लास एट्थ के लिए साइंस पेपर की तैयारी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आंसर्स। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है, ये क्वेश्चंस आंसर्स एमपी बोर्ड एग्जाम 2024 साइंस यानी कि विज्ञान के पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इनको आप तैयार कर लें। ये पहला क्वेश्चन दिया है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द क्रॉप इनटू हाउ मैनी कैटेगरीज क्रॉप्स आर क्लासिफाइड। तो बच्चों, ये आंसर दिया गया है इसका। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, इफ व्हीट इज सोन इन द खरीफ सीजन व्हाट वुड हैपन, डिस्कस। तो इसका ये आंसर है। और ये अगला क्वेश्चन दिया है, व्हाट इज सॉइल, राइट इट्स इम्पॉर्टेंस। तो इसका ये आंसर दिया गया है, ये आंसर है, इसको तैयार करें। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन, ये नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है और इसका ये आंसर है। और ये अगला क्वेश्चन, और ये अगला क्वेश्चन दिया गया है, इसका ये आंसर है। नेक्स्ट, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है और इसका ये आंसर है। और ये अगला क्वेश्चन दिया गया है, ये अगला क्वेश्चन है, इसका ये आंसर है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बच्चे सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। और ये अगला क्वेश्चन, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका ये आंसर दिया गया है। और ये अगला क्वेश्चन, इसका ये आंसर है। और बच्चे, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका ये आंसर दिया गया है। तो बच्चों, आप इनको तैयार कर लें। आपके पास जो भी सॉल्यूशन हो, परीक्षा बोर्ड, परीक्षा अध्ययन या फिर क्वेश्चन बैंक, तो आप उसमें भी टिक लगा सकते हैं और इनके आंसर तैयार कर लें, क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, राइट द डिफरेंस बिटवीन कल्टीवेटर एंड सीड ड्रिल। तो ये इसका आंसर दिया गया है, ये यहाँ तक इसका आंसर है। और अगला क्वेश्चन, ये अगला क्वेश्चन है, इसका ये आंसर दिया गया है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, इसका ये आंसर दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है और इसका ये आंसर है। उसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री, तो इसका ये आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट ये क्वेश्चन दिया गया है, इसका ये आंसर है। और ये अगला क्वेश्चन देख लें बच्चे, ये अगला क्वेश्चन है। उसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इसका आंसर भी है साथ में, तो आप इनको टिक लगा लें, ये देखते रहें। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, व्हाट इज फर्मेंटेशन, और उसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो आप इनको तैयार करें। और ये अगला क्वेश्चन, इसका ये आंसर। नेक्स्ट ये क्वेश्चन दिया गया है, इसका ये आंसर दिया गया है, इसका ये आंसर यहाँ तक है। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन ये है और इसका ये आंसर दिया गया है, ये। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसका ये आंसर है, ये आंसर दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, व्हाट इज नाइट्रोजन फिक्सेशन, तो इसका ये आंसर है। और अगला क्वेश्चन, ये अगला क्वेश्चन दिया गया है, इसका ये आंसर है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन दिया गया है, इसका आंसर ये है, ये आंसर है इसका।
ये इसका डायग्राम है, तो इसको आप देख लें, ये इस तरह का ये डायग्राम दिया गया है, तो इसको आप तैयार कर लें। ये आंसर है, यहाँ तक इसका आंसर दिया गया है, यहाँ तक इसका आंसर है। और ये अगला क्वेश्चन आ गया, ये नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका ये आंसर है। बच्चों आप अपने में इसके टिक लगा लें, अपने प्रश्न बैंक में, क्वेश्चन बैंक जो भी आपके पास, ये आंसर है इसका। और अगला क्वेश्चन ये दिया गया है, ये सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, व्हाट आर फॉसिल फ्यूल्स, तो इसका ये आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इसका ये आंसर है। अगला क्वेश्चन ये, इसका ये आंसर दिया गया है। और बच्चों नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, सभी के आंसर इसी में दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन ये है, और ये नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये, तो आप तो टिक लगा लें और इनको तैयार कर लें। नेक्स्ट, और ये अगला क्वेश्चन, बच्चों क्वेश्चन को पढ़ने में टाइम ज़्यादा लग रहा है, इसलिए हम क्वेश्चन को पढ़ नहीं रहे हैं, तो आप बस अपने में टिक लगा लें और देख लें, आंसर किसी से भी कर सकते हैं आप। ये आगे दिया है, और ये नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इसका ये आंसर है। और ये अगला क्वेश्चन आ गया, ये नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, अगला क्वेश्चन ये है, सभी के आंसर इसी में साथ में दिए गए हैं, आप चाहें तो इसी से लर्न कर सकते हैं। और ये अगला क्वेश्चन, ये अगला क्वेश्चन है, इसका ये आंसर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, और अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये अगला क्वेश्चन है, ये सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, बच्चों आप इनको तैयार करें। और ये अगला क्वेश्चन आ गया, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका ये आंसर दिया गया है। और ये अगला क्वेश्चन, इसका ये आंसर है। और ये क्वेश्चन दिया गया है, इसमें आंसर भी हैं, तैयार कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ये इसका आंसर है। और ये अगला क्वेश्चन, इसका ये आंसर है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, इसमें बच्चों आंसर भी दिए गए हैं, आप चाहें आंसर तो इसी से लर्न कर लें, या फिर आपके पास जो भी हो उससे तैयार कर लें। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आंसर है। और ये अगला क्वेश्चन, इसका ये आंसर है। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इसका आंसर ये दिया गया है। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका ये आंसर है। और ये अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, ये सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो बच्चों इनको तैयार कर लें आप। ये सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो आप इनको तैयार कर लें। ये क्वेश्चन दिया गया है, आंसर भी हैं इसमें, ये आंसर है इसका। ये अगला क्वेश्चन, ये नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आंसर है इसका। और ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आंसर दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये अगला क्वेश्चन दिया गया है, इसका ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन ये है, ये आंसर है इसका। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ फर्टिलाइजेशन, इसका ये आंसर है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, इसका ये आंसर दिया गया है। और अगला ये क्वेश्चन, व्हाट इज़
एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, तो इसका ये आंसर है। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका ये आंसर है। और अगला ये इसका आंसर यहाँ तक है, यहाँ तक इसका आंसर दिया गया है। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ये क्वेश्चन ये, तो बच्चों ये आप अपने में टिक लगा लें और इनको तैयार कर लें, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये आंसर है इसका। और ये अगला क्वेश्चन, और ये नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स, ड्रॉ ए डायग्राम। तो ये इसका आंसर है, डायग्राम आप इसका तैयार कर लें, प्रैक्टिस करें इस डायग्राम की। और ये अगला क्वेश्चन ये तैयार कर लें, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इसका ये डायग्राम है। और ये अगला क्वेश्चन, इसका ये आंसर दिया गया है। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका ये आंसर है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया और इसका ये आंसर दिया गया है। ये डायग्राम की प्रैक्टिस कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इसके आंसर दिए गए हैं, डायग्राम भी हैं, तो आप इनकी प्रैक्टिस करें। ये आंसर हैं डायग्राम सहित। और ये नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसका ये आंसर दिया गया है, ये आंसर है। और ये अगला क्वेश्चन, उसके बाद ये क्वेश्चन, ये आंसर हैं। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, व्हाट आर सेक्स हार्मोन्स, व्हाई आर दे नेम्ड सो, स्टेट दे आर फंक्शन। तो इसका ये आंसर है। नेक्स्ट ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इन द अनबॉर्न बेबी। तो ये इसका आंसर है। और इसमें ये डायग्राम भी दिया गया है, तो इस डायग्राम की आप प्रैक्टिस कर लें। और ये अगला क्वेश्चन, इसका ये आंसर है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन, इसका ये आंसर। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, इसका ये आंसर दिया गया है। और अगला क्वेश्चन ये है, इसका ये आंसर है, ये इसका आंसर दिया गया है। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें ये डायग्राम बना हुआ है, इसको आप तैयार करें। और ये अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये दिया गया है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट द बैलेंस डाइट। तो इसका ये आंसर है। और ये अगला क्वेश्चन, ये अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ पर्सनल हाइजीन ड्यूरिंग टीनेज। तो इसका ये आंसर है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये अगला क्वेश्चन दिया गया है, इसका ये आंसर है, ये आंसर दिया गया है। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट चेंजेस आर टेक प्लेस इन एन ऑब्जेक्ट ऑन अप्लाइंग फोर्स। तो बच्चों ये इसका आंसर है। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो इसका ये आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये अगला क्वेश्चन है, ये अगला क्वेश्चन दिया गया है, तो इसका आंसर, ये आंसर दिए गए हैं, इनको तैयार करें। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका ये आंसर है। ये अगला क्वेश्चन दिया गया है, ये अगला क्वेश्चन, इसका ये आंसर। बच्चों ये सभी इम्पोर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, तो इनको आप लर्न कर लें। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका ये आंसर है।
इसमें ये आगे डायग्राम दिया गया है, इस डायग्राम की प्रैक्टिस करें। ये यहाँ तक इसका आंसर है। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, तो इसका ये आंसर है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन दिया गया है, इसका ये आंसर यहाँ तक दिया गया है, ये यहाँ तक इसका आंसर है। और ये अगला क्वेश्चन दिया गया है, ये अगला क्वेश्चन है, ये आंसर है इसका, ये आंसर दिया गया है। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इसका ये आंसर है, ये आंसर है यहाँ तक। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर पाम्स बिकम वार्म व्हेन वी रब देम व्हाई, और व्हाई डू पीपल ऑफन रब देयर पाम्स इन विंटर्स, तो बच्चों ये आंसर है इसका, ये आंसर दिया गया है। और ये अगला क्वेश्चन है, इसका ये आंसर है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन, इसका ये आंसर। और ये क्वेश्चन, इसका ये आंसर, ये क्वेश्चन, इसका ये आंसर दिया गया है। और ये अगला क्वेश्चन, इसका ये आंसर है। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इसका ये आंसर दिया गया है। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका ये आंसर है। अगला क्वेश्चन ये दिया गया है, इसका ये आंसर है। बच्चों ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप चाहें तो आंसर इसी से लर्न कर सकते हैं, या फिर आपके पास जो भी परीक्षा अध्ययन या सैंपल पेपर, परीक्षा बोध, क्वेश्चन बैंक जो भी हो उससे आप लर्न कर सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये इसमें डायग्राम भी दिया गया है, तो इसकी प्रैक्टिस कर लें आप। ये आंसर यहाँ तक है। और उसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इसका ये आंसर दिया गया है। और ये अगला क्वेश्चन है, इसका ये आंसर है। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज फ्रीक्वेंसी इन व्हाट यूनिट इट इज मेजर्ड, तो इसका ये आंसर दिया गया है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये अगला क्वेश्चन दिया गया है, हाउ कैन नॉइज पॉल्यूशन बी कंट्रोल्ड इन रेजिडेंशियल एरियाज, राइट एनी थ्री सॉल्यूशंस, और इसके और में भी एक ये क्वेश्चन है इस तरह का आ सकता है, और ये इसका आंसर है। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन, ये नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट इज नॉइज पॉल्यूशन, लिस्ट द मेन कॉजेस ऑफ नॉइज पॉल्यूशन, तो बच्चों ये आंसर है इसका, ये यहाँ तक इसका आंसर दिया गया है, इसको आप तैयार करें। और ये अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन विथ डायग्राम दैट साउंड कैन ट्रेवल इन लिक्विड्स टू, तो इसका ये आंसर है। इसमें डायग्राम भी है, तो इस डायग्राम को तैयार कर लें। ये डायग्राम दिया गया है, ये आंसर है यहाँ तक, यहाँ तक इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और ये अगला क्वेश्चन आ गया, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ ह्यूमन ईयर विथ लेवल्ड डायग्राम, तो इसका ये आंसर है। और इसमें एक डायग्राम भी दिया गया है, ये डायग्राम आपको बनाना होगा, ये ईयर का डायग्राम है, इसको आप तैयार करें, ह्यूमन ईयर। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, और ये अगला क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट इज केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गिव सम एग्जांपल्स ऑफ केमिकल इफेक्ट्स, तो ये आंसर है इसका। और ये यहाँ तक आंसर दिया गया है, यहाँ तक इसका आंसर है। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर गुड कंडक्टर, तो इसका ये आंसर है। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन ये है, व्हाट आर इंसुलेटर्स पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो इसका ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इसका ये आंसर है। और ये अगला क्वेश्चन है, इसका ये आंसर दिया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इसका ये आंसर है। और ये अगला क्वेश्चन, इसका ये आंसर है। उसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका ये आंसर दिया गया है। ये आंसर इसका यहाँ तक है, यहाँ तक इसका आंसर है। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, ये नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर ये है। अगला देखते हैं, अगला ये क्वेश्चन दिया गया है, इसका ये डायग्राम सहित आंसर है, तो देख लें। ये आंसर है इसका। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इसका डायग्राम दिया गया है, तैयार कर लें। और ये आंसर है। उसके बाद ये क्वेश्चन दिया गया है, ये आंसर है, ये डायग्राम है, इसको आप तैयार कर लें। और अगला क्वेश्चन, ये अगला क्वेश्चन दिया गया है, इसका ये आंसर है, आंसर यहाँ तक दिया गया है। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन, ये नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इसका ये आंसर है, ये आंसर है इसका। और बच्चों ये अगला क्वेश्चन, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका ये आंसर दिया गया है। ये इसमें डायग्राम भी है। और ये अगला क्वेश्चन, इसका ये आंसर है, आंसर यहाँ तक दिया गया है। उसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, ये नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका ये आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ एन अर्थक्वेक, तो इसका ये आंसर है। और नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, ये आंसर है इसका, यहाँ तक इसका आंसर दिया गया है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर फॉल्ट जोन्स, नेम द फॉल्ट जोन्स इन इंडिया, तो इसका ये आंसर है, ये आंसर दिया गया है। ये इसका डायग्राम है, इस डायग्राम को तैयार कर लें। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये अगला क्वेश्चन है, व्हाट प्रिकॉशंस वुड यू टेक ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक इन द फॉलोइंग सिचुएशन, तो ये क्वेश्चन है इसका। और ये और में था, आगे देखते हैं, ये इसका आंसर दिया गया है, ये आंसर है, ये आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और ये अगला क्वेश्चन आ गया, इसका ये आंसर है, ये आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया है, ड्रॉ द वेल लेबल्ड डायग्राम ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, तो इसका ये आंसर है, ये स्ट्रक्चर है, ये डायग्राम है, इसको आप तैयार करें। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये अगला क्वेश्चन दिया गया है, हाउ कैन वी सी एनी थिंग, तो इसका ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया गया है, इसका ये आंसर है। और ये अगला क्वेश्चन, ये अगला क्वेश्चन दिया गया है, राइट द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, तो इसका ये आंसर है, इसको तैयार करें। और ये अगला क्वेश्चन, ये अगला क्वेश्चन दिया गया है, इसका ये आंसर है, इसमें डिफरेंस बताना है, तो ये इसका आंसर है। और ये अगला क्वेश्चन आ गया, ये नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आंसर है इसका। और ये अगला क्वेश्चन, विच विटामिन इज नेसेसरी फॉर अवर आइज, तो विटामिन ए आंसर है इसका। और ये नेक्स्ट, राइट टू सोर्सेस ऑफ विटामिन ए, तो इसका आंसर है कैरट्स एंड ग्रीन वेजिटेबल्स। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका ये आंसर है। अगला क्वेश्चन, ये अगला क्वेश्चन दिया गया है, इसका ये आंसर है। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये इसका आंसर है, ये इसमें डायग्राम है, आएगा ह्यूमन आई। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इसका भी आंसर देख लेते हैं, ये आंसर है इसका। और ये अगला क्वेश्चन आ गया, इसका ये आंसर दिया गया है। तो बच्चों ये थे वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स क्लास 8th के लिए साइंस सब्जेक्ट के।
विज्ञान के पेपर के लिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं, तो आप इनको तैयार कर लें। विश यू ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू फॉर वॉचिंग।